यहाँ बिजी। नूप्स। कौन था? अरे वो अपना संजीव कपूर। हाय चुटकुस, वेलकम बैक टू चुटकुलास किचन। पिछली बार आपने बहुत प्यार बरसाया मेरे लूज मोशन मैगी पे, जिससे मुझे आज तक लूज मोशन है। आज चुटकुला स्पेशल में हम लेंगे आइसक्रीम जो मैंने नहीं बनाई, अंडा जो मैंने नहीं दिया। याद रखिए, जितना कम आपका आईक्यू उतने ज्यादा इंग्रेडिएंट। तो लहसुन, सॉस, धनिया, बिकाजी भुजिया, चालू भुजिया, मजा नहीं आया। तो ये ले, पनीर भुजिया भी ले ले। अभी भी खाने लायक लग रहा है। तो पिज्जा पे टॉपिंग नहीं, हम पिज्जा को ही टॉपिंग बना देते हैं। जब कुछ बनाने का मन ना हो तो ये बनाना। अरे बनाना भी डाल दे क्या इसमें? सारे इंटरनेट पे यही खाना खुजाना वाली बकलोली हो रही है। इन्हें लगता है पेट में तो खाना मिक्स ही होना है, तो पहले ही मिला मिला के टट्टी खिला दो। जैसे ये गुलाब जामुन पिज्जा। टेंशन नहीं गाइस, थिन क्रस्ट है, थिन क्रस्ट, ताकि 12 गुलाब जामुन वाला पिज्जा अनहेल्दी ना हो जाए ना। इतना डोमिनोज पनीर नहीं डालता एक स्लाइस पे जितना तुमने गुलाब जामुन डाल रखा है। फिर सबकी फेवरेट बिरयानी पे चॉकलेट। 100 साल आईपीएल ना जीतने के बाद ऐसे ठेले पे ही मिलेगा आरसीबी। आरसीबी खाने में भी अगर है। चॉकलेट बिरयानी आ चुकी है, खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। होए। इस ऑस्कर विनिंग एक्टिंग के लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन। इस लियोनार्डो दी टाइफॉइडियो को हमारा चुटकुला स्पेशल दिया ना, तो भी सस्ते कोली, तुझे तो आरसीबी का पसंद ही आएगा। कुछ भी नहीं खाया भाई आपने, अगर ये नहीं खाई तो। हाँ कुछ नहीं, मैं भूखा ही हूँ बचपन से, और ये देखने के बाद मैं 40 साल और ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगा। भाई शेफ किधर गए, इसके मैंने हाथ चूमने हैं भाई। हाँ यहाँ शेफ, ये 4 BHK ठेले के बैक किचन से आएगा शेफ। रेस्टोरेंट्स वाले थक गए गर्ल सैंडविच बना बना के। वेज गर्ल, पाइनएप्पल गर्ल, पर इतने गर्ल्स भी भूख नहीं मिटा पाए। हमें तो चाहिए गुलाब जामुन सैंडविच, वो भी विद चॉकलेट सॉस। एम फॉर मौत, खाने की मौत जो हुई है यहाँ। अरे मरे लाश पे और रबड़ी कौन डालता है? जो हम जलेबी कभी कभी लाते हैं घर में और कुछ बच जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर उसका क्या करेंगे? फिर गरम करके खा लेंगे जलेबी सैंडविच। आंटी आपको दवाई की जरूरत है। अरे उसका भी सैंडविच बना लेगी ये पैरासिटामोल गर्ल विद कफ सिरप सॉस। बढ़िया से पूरे ब्रेड पे फैलाना है, तभी तो पूरे ब्रेड में मिठास आएगा। मिठास पता नहीं आपको सदमा आ रहा है? पूरे ब्रेड में मिठास आएगा और पूरे बॉडी में डायबिटीज आएगा। दोनों तरफ से दबा हुआ, बच्चा भी रो रहा है। उसे रियलाइज हो गया कि उसके मेन कोर्स में पिछले हफ्ते का डेजर्ट ठूसा हुआ है। आंटी अगर फ्रिज खाली करने का सोच लेना तो किसी भी हद तक जा सकती। आलू का मिल्क शेक बना दिया, हेल्दी एंड टेस्टी। यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ली है, हेल्दी। अब इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच बटर डालेंगे, सो मच हेल्दी। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। बस इतनी हेल्थ देख के तो मेरे नितंब से ही एब्स निकल गए। इनके आधे रेसिपीज तो ऐसे बनते हैं। अरे यार फेंकना पड़े। मिल गई रेसिपी, कुरकुरे मिल्कशेक। ट्राई ओनली 1 टाइम, इसका कोई रिपीट ऑर्डर करने भी नहीं वाला था। बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है, 1 टाइम भी नहीं पी पाऊंगा। दूसरे आंटी ने बना दिया रोटी आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है 1 रोटी। क्या डिश, क्या इंग्रेडिएंट? आइसक्रीम बनाने के लिए 1 रोटी। आज हम बनाएंगे नारियल पानी, जिसके लिए हमें पहले चाहिए 1 ढोकला। अब ये A to B कैसे जाएगा वो भगवान ही जाने। बची हुई रोटी से आइसक्रीम आप पहले कभी नहीं खाए होंगे। हाँ, किसी ने आज तक नहीं खाया तो कुछ रीजन होगा ना उसके पीछे। जहर पान आप कभी नहीं खाए होंगे, सबसे पहले सिर्फ मेरे चैनल पे जहरीले पान। पहले कभी नहीं खाए होंगे, पर ये आइसक्रीम एटलीस्ट खा तो सकते हैं। हाँ अब इतना ही गिरा हुआ है स्टैंडर्ड, क्योंकि बाकी तो बन रहा है टॉयलेट पेपर आइसक्रीम। क्यों खाऊं ये, क्या फायदा? हफ्ते टाइम टॉयलेट पेपर साफ करते हुए निकलेगा पीछे से। दे दो भाई टिश्यू पेपर। अरे ये क्या बना दिए, चलो छोड़ो यही दे दो, लास्ट वीडियो के जोरो चिप के बाद ठंडा ठंडा लगेगा। अरे हाँ ऑफ कोर्स डालिए, ये कार्डबोर्ड की गार्निशिंग के बिना तो खट्टी रह जाती है आइसक्रीम। और अच्छे खासे चिकन बर्गर की कुटाई करके आइसक्रीम।
बर्गर, आइसक्रीम और कस्टमर तीनों की कोलैबोरेशन में मार दी। कुछ भी चबा के दूध पी लो और फिर पेट में लात मार के उल्टी कर दो तो ऐसा ही दिखेगा। वाह भाई, आप तो इस बंदे से भी बड़े जोकर निकले। भैया एक आइसक्रीम लेना। अरे ये नहीं, मेरा समोसा। समोसा आइसक्रीम स्पेगेटी। भैया एक आइसक्रीम देना। अरे नहीं फोन नहीं, फोन नहीं, मैं केस कर दूंगी अभी। क्या मेरो नहीं। भैया एक आइसक्रीम देना। ओ ये कुछ नया फ्लेवर बनेगा, अब खाऊंगी रियल आइसक्रीम। टॉयलेट पेपर क्या हुआ? फिर ना यूट्यूबर्स आंख बंद करते हैं और जो हाथ में आ जाए उसका पकोड़ा बना देंगे। तरबूज पकोड़ा, आम पकोड़ा, एप्पल पकोड़ा। चटनी और लगा रही है। हाँ जिम के भैया, फुल फ्रूट्स डाइट पे हूँ। चटनी देना चटनी। पेट में फर्क तो दिख रहा है काफी। आप भी फ्रूट्स खाइए, अच्छा रहता है। हाँ ऐसा एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर क्लोज टू यू। पानी का भी पकोड़ा जिसे काटते ही पकोड़ा ना पानी, बाद में चाय जैसे पीना पड़ रहा है। फिर ये रसोई से कतई 6 किलोमीटर दूर रहने वाले अंकल को बनाना था पार्ले जी पकोड़ा, तो सीधा 50 पार्ले जी तेल में ही डाल दिए। बीवी फौज में पति मौज में। ये हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है। हाँ जैसे पहले तो कच्चा था ये। भी आगे पता नहीं दोस्तों इसके साथ क्या होने वाला है। आगे पार्ले जी की बच्ची आके घुसंड मारेगी आपको। नहीं क्या होगा, जलेगा और क्या। काला हो चुका है बिल्कुल, ब्लैक मर्सिडीज की तरह। ब्लैक मर्सिडीज, ब्लैक मर्सिडीज की तरह। ये कैसा कंपैरिजन है। वो क्या मर्सिडीज भाई, बिल्कुल जले हुए पार्ले जी की तरह। अरे 5 रुपए वाली बिस्कुट सोच ही रहेगी तुम्हारी। हट अंकल, अब नींबू ऑमलेट। किसी को तो बहुत ही खट्टा खाने का मन हो रहा है। अंकल गुड न्यूज सुनाएंगे अब जल्दी। कितने महीने घर वाले साइड में अपना चावल सब्जी ले रहे हैं कि ये तवे पे क्राइम सीन तुम ही खाओ। पर बेवड़े लोग बोले कि वी डोंट लाइक ऑयली फूड। हम बनाएंगे दारू से पनीर टिक्का, रवि शास्त्री का प्रोटीन डाइट। बहुत रद्दा टेस्ट है भाई, कोई दारूबाज मिलेगा ना उसे दे दूंगा। ये क्या कंघी का पकौड़ा, इसको फिर चटनी के साथ खाएं कि हेड एंड शोल्डर। फिर वो डिश जिसपे अत्याचार करने का हर स्टेट में अपना अपना तरीका है, डोसा। मेरे ही कॉलेज के ठेले में सिंपल मसाला डोसा मांग लो तो मुंह पे सांबर फेंक के भगा देते थे। वहाँ बस ये नूडल डोसा, पिज्जा डोसा, पास्ता डोसा और ऐसा आइसक्रीम डोसा। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? अंडी निरुतु निलिसी थांबा। ये मैंने ऑर्डर किया अंकल, चेक कर लो यार एक बार। बच्चे को भनक तक नहीं थी कि एक फ्रॉड डोसा उससे बचपन का सुख छीन लेगा। बेचारा फॉर्मेलिटी में आधा बूंद आइसक्रीम लगा के खा रहा है। ओ ये तो मसाला डोसा लग रहा है, मैगी मसाला डोसा। ठीक है दे दो, थोड़ा ड्राई लग। अरे वैसलीन लोशन की पूरी बोतल बरसा दिए। ये डोसा मेरे स्किन से ज्यादा मॉइस्चराइज्ड है। दे दो चलो, हे भगवान। डोसा तो अब जेसीबी से 6 फीट नीचे खुदाई करके फिर मिलेगा। फाइनली फाइनली एटलीस्ट ये डोसा तो लग। इस पे बिल्ला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी की कोटिंग। हार्ट अटैक प्लेट में मिलने लगा आजकल। अब सांबर चटनी नहीं चाहिए, 50 किलो जहर के साइड में थोड़ी सी दवाई रखने से कुछ नहीं होगा। अ डे इन द लाइफ ऑफ डोसा। डोसा की लाइफ क्या मस्त है। अबे ये कैसा सांबर है, डोसा हूँ मैं, स्कूल प्रोजेक्ट जैसा क्या सजा रही है? वे क्या मूर्ति है क्या? चॉकलेट सॉस? अब हैप्पी बर्थडे टू यू गा के काटी दो, 15 रुपए का केक लग रहा हूँ। नहीं उसके लिए हमारे पास बेहतर केक्स है। वाह बढ़िया केक, इसपे कैंडल। अबे तो चिकन करी डाल दी इसपे। एगलेस केक ये करने के लिए मंगाया था। आंटी ग्रेवी मिलेगी क्या इसपे? आंटी केचप, पकोड़े पे डालना था। आंटी टॉयलेट है क्या? पागल, वो केक पे ही करवा देगी, चल। नहीं नहीं कुछ नहीं जी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार से चिकन सैंडविच केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मजेदार, ये तो मैं खुद ही अपने मुंह पे मार लूंगा ताकि किसी को खाना नहीं पड़े। हाँ? पार्टी ओवर, घर जाओ सब, मुझे मम्मी से अकेले में बात करनी है।
आज हम बनाएंगे पोहे की केक। ये लो बेटा केक। नहीं चाहिए आंटी, कुछ और है। दूसरा तो करेला केक है। यही दे दो। ये सब सिर्फ YouTube पे हो रहा है या रेस्टोरेंट वाले भी बेच रहे हैं? कॉल करते हैं। हेलो, जलेबी सैंडविच बनाते हैं आप? नहीं नहीं, जलेबी करते हैं। या गुलाब जामुन का? नॉर्मल सैंडविच है, चटनी, बटर, टमाटर, सब्जी, बटाटा, सब आइटम रहेगा। गुलाब जामुन, जलेबी, कंदन नहीं रहे। ये तो अपना सोच में आता है, तुम सैंडविच बोलोगे तो अलग हो जाता यार। जलेबी सैंडविच मिलता है क्या? नहीं मैम, ऐसा कोई सैंडविच नहीं है। अच्छा, पकोड़े मिल जाएंगे क्या आपके पास? कौन सा पकोड़े? तरबूज का पकोड़ा। काय का? तरबूज। तरबूज? तरबूज का पकोड़ा का दाम भाई सुना नहीं भाई, हमारे पास भजिया है, कांदा और बटाटे का। अरे तरबूज आम का पकोड़ा नहीं सुने क्या? हेलो, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हाँ, मेरे को चिकन का केक मिल जाएगा क्या? तो खाने में कैसा लगेगा फिर? अच्छा नहीं लगेगा खाने में। रोटी का आइसक्रीम बनाकर दे सकते हैं? गोवा फ्लेवर आइसक्रीम है, उसके ऊपर हम लोग लाल मिर्ची पाउडर सिंगल करके देते हैं। पानी पूरी वाला फ्लेवर आइसक्रीम है, पूरी डालते हैं क्रश करके। इन्हीं का यूट्यूब चैनल है भाई, सारे इन्हीं ने खोल रखे हैं। इतना सब देख के आज व्रत ही रखना है? यही एक चीज है जिसका आज कत्ल नहीं हुआ। ये क्या साधा पी रहा है? और क्या? गंदे नाले का काला पानी पियो। अबे पानी तो छोड़ देते, ऐसा ड्रिंकिंग वाटर हेमा मालिनी कैंट फेंक के मारेगी। अरे हटिए आप, मेरे स्टॉक पे खड़े हैं। अरे तू ठीक है? कुछ नहीं है, बस नॉर्मल पानी जैसा है, ऐसा नहीं लग रहा कोक है बट विदाउट फिज। तुम लोग वीडियो के नाम पे दारू पीते हो? अरे पानी है बस काला है। हाँ, एक्स्ट्रा मिनरल, जीरो शुगर, जीरो कैफीन। हाँ तो इसमें कौन सा लड्डू कैपेचिनो डाला है? ऐसे तो जीरो एसिड, जीरो ब्लड, जीरो मूत्र, सब लिख दो। ग्लूटेन फ्री? अबे विथ ग्लूटेन कौन सा पानी होता है पहले वो बता। वाटर फ्री भी है क्या? इंग्रेडिएंट देख लो, पता चला पानी नहीं है। एक बॉटल मंगाई थी, 12 आ गई, लगता है कोई नहीं खरीद रहा। अब इसका क्या करें? 500 रुपए की बॉटल से पिछवाड़ा धोने में भी अजीब लगेगा। ये पौधों को देना भी पाप होगा। गिवअवे गाइस, गिवअवे, 12 अनलकी विनर्स को मिलेगा ये बॉटल। एक हमने खोल लिया है तो 11 अनलकी विनर्स, प्लीज ले लो, ले लो, ले लो, सारे ले लो। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपकी मम्मी घर का सारे बचे सामान के साथ आइसक्रीम या सैंडविच बना दे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वरना टॉयलेट पेपर आइसक्रीम भिजवा रहा हूँ सबके घर विद एक्स्ट्रा ब्लैक वाटर। और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मेथी मुठिया नूडल्स? मैं संस्कारी आदमी हूँ, नहीं जानता ये मुठिया वुठिया।